हमारी जलवायु जलवायु जल और वायु दो शब्दों के योग से बना है। सामान्य रूप से लोग जलवायु और मौसम को एक ही अर्थ में मान लेते हैं, किंतु इन दोनों में अंतर है। मौसम वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाले परिवर्तन को कहते हैं, जबकि अनेक वर्षों में मापन द्वारा प्राप्त औसत स्थिति जलवायु है। किसी क्षेत्र की जलवायु वहाँ की स्थिति, ऊंचाई, समुद्र की दूरी तथा समुद्र तल से ऊंचाई आदि पर आधारित होती है। यही कारण है कि भारत के भिन्न भिन्न क्षेत्रों की जलवायु में विविधता पाई जाती है। देश में कहीं अधिक गर्मी, कहीं अधिक ठंडक और कहीं वर्ष भर वर्षा जलवायु की विविधता के उदाहरण है। यदि भारत के पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण के स्थलों की यात्रा करें, तो जलवायु की विविधता का सहज अनुभव एवं परिचय हो जाता है। भारत के पूर्वोत्तर असम मेघालय में जहां वर्षा अधिक होती है, वहीं पश्चिम में राजस्थान आदि में वर्षा कम होती है। उत्तर में जम्मू कश्मीर में बर्फबारी होने से ठंड पड़ती है और दक्षिण में केरल तमिलनाडु की जलवायु उष्ण होती है। जलवायु की विविधता का प्रभाव खान पान, रहन सहन और जीवन शैली पर पड़ता है। भारत में 6 ऋतुएं मानी गई हैं: ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर और बसंत। इन ऋतुओं के संबंध में एक दोहा प्रचलित है: ग्रीष्म, वर्षा, शरद ऋतु, शिशिर और हेमंत, 6 ऋतुओं में जानिए सबसे श्रेष्ठ बसंत। भारतीय साहित्य में कवियों लेखकों ने इन 6 ऋतुओं का बहुत मनोहर वर्णन किया है। इनको निम्नलिखित 4 ऋतुओं में बांटा गया है। शीत ऋतु। इस ऋतु का समय दिसंबर से फरवरी तक होता है। इन महीनों में सूर्य की किरणें सीधी न पड़ने के कारण मौसम ठंडा रहता है। उत्तर और पश्चिम से चलने वाली बर्फीली हवाओं से कड़ाके की ठंड पड़ती है। इसका प्रभाव उत्तर भारत में बहुत अधिक रहता है। ऐसे मौसम में लोग ऊनी वस्त्र पहनते हैं और अलाव जलाते हैं। ग्रीष्म ऋतु। इस ऋतु का समय मार्च से मई तक होता है। इस ऋतु में सूर्य की किरणें सीधी पड़ने के कारण तापमान बहुत बढ़ जाता है। गर्म हवाएं चलने लगती हैं। आंधी और लू चलने से जनजीवन असामान्य हो जाता है। लोग फलों के रस और शरबत आदि का सेवन करते हैं, सूती और हल्के वस्त्रों का प्रयोग करते हैं। वर्षा ऋतु। इस ऋतु का समय जून से सितंबर तक होता है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून से वर्षा होती है। ये मॉनसूनी हवाएं अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से स्थल की ओर बहते हुए पहाड़ों से टकराती हैं। इन नम हवाओं के टकराने से वर्षा होती है। वर्षा ऋतु में वनस्पतियां हरी भरी हो जाती हैं। गर्मी से व्याकुल जीव जंतु और मनुष्यों को इस ऋतु में राहत मिलती है। शरद ऋतु। अक्टूबर और नवंबर का महीना शरद ऋतु कहलाता है। इस अवधि में मानसून वापस लौटता है। स्थलीय मार्ग से बंगाल की खाड़ी की ओर लौटते हुए तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में वर्षा होती है। इस प्रकार जलवायु से प्रकृति में परिवर्तन होता है। प्रकृति के अनुसार हमें अपना संरक्षण करना चाहिए। ऋतुओं के परिवर्तन के अनुसार स्वास्थ्य, खान पान, रहन सहन और दिनचर्या का ध्यान रखना चाहिए। जलवायु का प्रभाव कृषि व्यापार आदि पर भी पड़ता है।